एक नाम मैं ले रहा हूं और मेरे अपने मुताले के बाद मुझे ये कहने का हक है कि एक बेहतरीन इंसान, नाम लू, राम, रामचंद्र, समझ गए कि नहीं, अयोध्या वाले। मैंने स्टडी की है इनके किरदार पर, इनकी जिंदगी पर, मिंबर से कह रहा हूं, ये सिर्फ मजलिस नहीं, हकीकत है। राम की जिंदगी में मुझे कोई ऐसी बात नहीं मिली कि जिस पर हम उंगली उठा सकें कि ये गलत किया उन्होंने। एक इंतहाई साहिब किरदार इंसान, माँ बाप का इतना फरमाबरदार बेटा कि बादशाह ज्यादा है, मगर बाप ने कह दिया 14 साल जाके जंगल में रहो, बगैर किसी बहस के, बगैर किसी मुबाहसे के, बगैर चूनो चरा के, सुन लेना आसान है मेरे लिए, पढ़ देना आसान है, लेकिन बादशाह के बेटे के लिए 14 साल जंगल में रहना खेल नहीं है। अच्छा, उससे माँ बाप नहीं, बाप तो सगा है, माँ सौतेली है जो चाह रही कि जंगल में रहे, तो सौतेली माँ की बात का इतना लिहाज कि बाप से इतने ही कह सकते थे कि आप मेरी सौतेली माँ की बात पर मुझे जंगल भेज रहे हैं, इतना भी नहीं, माँ की ख्वाहिश है, ठीक है हम जा रहे हैं। है ना साहिब किरदार इंसान, आप सब के सब आजादार हैं, आप सब के सब मुहिबाने आले रसूल हैं, आप बादशाह नहीं हैं, मगर अपनी औलाद से जाके कह के देखिए कि अब जाके फला बाग में 14 साल रहो, घर ना आना, बच्चा आसीने चढ़ा लेगा, बाप को हुआ क्या है, हम जाके बाग में रहे, न लहाब, न गद्दा, न चादर, न तकिया, न बिस्तर, न पलंग, कुछ नहीं, जमीन पर लेते हैं, न ओढ़े न बिछाए, सर्दी में ठिठुर के मर जाए। कह सकते थे राम की नहीं अपने बाप से, नहीं कहा। है ना इताज शियारी की सबसे आला मंजिल है कि नहीं है। अब मैं आपसे कहता हूं, इतना बुलंद किरदार इंसान, कभी आप एक कसम राम की खा लीजिए, क्या कहना, वाह वाह वाह, एक कसम जिंदगी में कोई राम की खा के आप कोई बात कह दीजिए, आप कहेंगे साहब आप कह रहे हैं हम आपकी बात माने ले रहे हैं, बड़े साहब किरदार थे, कोई जिंदगी में ऐब नहीं था, कोई बुराई नहीं थी, मगर हम इनकी कसम नहीं खा सकते, इसलिए कि ये अच्छे इंसान जरूर थे मगर इनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं था। क्या सुन रहा है मेरा मजमा, आप कहेंगे ठीक है अच्छे इंसान थे, आप कह रहे हैं हम मान लेते हैं बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े बुलंद किरदार मालिक इंसान थे, माँ बाप के दास शियार थे, मगर इनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं था, लिहाजा हम इनकी कसम नहीं खा सकते। इसका मतलब यह हुआ कि आप उस बंदे की कसम नहीं खा सकते चाहे जितना अच्छा हो, जिसका इस्लाम से कोई वास्ता ना हो, तो जिसका इस्लाम से वास्ता ना हो उसकी कसम आप नहीं खा सकते, तो अल्लाह के आपसे भी गया गुजरा है। अगर अब्दुल्ला काफिर थे तो अल्लाह ने कुरान में अपने नबी से क्यों कहा मेरे हबीब आपके बाप की कसम। अब अपना कहा हुआ जुमला फिर दोहरा रहा हूं कि जनाब अब्दुल्ला की कसम अल्लाह की तरफ से खाना इस बात की दलील है कि जिस वक्त अल्लाह ने नबी के बाप की कसम खाई, नबी ईमान की, नबी का बाप ईमान की उस मंजिल पर था जहां उसके बराबर कोई नहीं था। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले।